साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज की जो विधि, आज का जो उपाय, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, माता मोहिनी जी का, माता मोहिनी जी के वशीकरण का, सम्मोहन विद्या की शक्ति के बारे में भक्तजनों आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे चैनल के माध्यम से मैं पहले भी माता मोहिनी जी के आपको बहुत से मंत्र बता चुका हूँ, इनकी सिद्धियाँ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में भक्तजनों में बता चुका हूँ, और सफीदों धाम में जहाँ पर माता रानी का मेन स्थान है वहाँ के मैंने आपको दर्शन भी करवाए हैं, और उनका लोहा भोग प्रसाद के बारे में भक्तजनों में आपको बता चुका हूँ। तो जो माता श्यामपुर मोहिनी की ये सम्मोहन विद्या है जिसके बारे में भक्तजनों में आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हमें बहुत से भक्तजन कमेंट करते हैं कि भक्त जी हम कोई साधना नहीं कर सकते, किसी मंत्र का जाप नहीं कर सकते, आप हमें ऐसा कोई लोहा बताएं, ऐसा कोई भोग प्रसाद बताएं जिससे कि प्रचंड शक्तिशाली वशीकरण हो। तो भक्तजनों आज जो मैं आपको माता मोहिनी जी की इस वशीकरण विद्या के बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए ना ही आपने किसी मंत्र का जाप करना है भक्तजनों, और ना ही आपने कोई चिराग रोशन करना है, केवल आपने लुफा ही देना है, और जब आप इसका लुफा देंगे तो इतना शक्तिशाली वशीकरण होगा, इतना शक्तिशाली भक्तजनों सम्मोहन होगा भक्तजनों, अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, तो पूर्ण रूप से आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा जिस व्यक्ति के लिए भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन यह जो विधि है इसका जो उपाय है भक्तजनों, आपको 8 दिन रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप 8 दिन रेगुलर इस विधि का जो उपाय करेंगे, जैसे जैसे भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो जिसके लिए भक्तजनों आप इस वशीकरण सम्मोहन विद्या का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वह आपका दीवाना हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली वशीकरण होगा भक्तजनों। लेकिन यह जो वशीकरण करने वाला यह जो उपाय है भक्तजनों, माता मोहिनी जी का आपके ऊपर ही पहरा लगेगा। जब आपके ऊपर माता मोहिनी जी का पहरा लगेगा, तो उस व्यक्ति के ऊपर जिसके लिए भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाएगा। अगर पति पत्नी का झगड़ा है तब भी भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भक्तजनों आपको नाम लेना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा जिस व्यक्ति के लिए भक्तजनों आप ये वशीकरण करने जा रहे हैं। केवल एक व्यक्ति के लिए ही भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा व्यक्तियों के ऊपर भक्तजनों इसका प्रभाव नहीं रहेगा, केवल एक व्यक्ति को ही आपका पूर्ण रूप से दीवाना बना देगी माता मोहिनी, माता श्यामकर मोहिनी की यह जो शक्ति है। अगर भक्तजनों आप 8 दिन रेगुलर इस विधि का प्रयोग करते रहेंगे, लेकिन 8 दिनों के बाद भी भक्तजनों फिर भी आप कभी कभी यह जो विधि है, जैसे जैसे आगे भक्तजनों में आपको बताऊंगा, फिर भी आप कभी कभी इस विधि का प्रयोग करते रहें, हफ्ते के बाद, महीने के बाद, कभी ना कभी भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करते रहें, तब माता मोहिनी जी की जो आपको शक्ति प्राप्त होगी 8 दिनों में, यह शक्ति आपके साथ भक्तजनों चलती रहेगी। और यह जो माता श्यामपुर मोहिनी जी की विधि है, अपने प्यार में दीवाना बनाने वाली माता मोहिनी जी की वशीकरण की यह जो विद्या है, इसका जो आपने भक्तजनों आरंभ करना है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन से ही भक्तजनों आपने इस विधि का प्रयोग करना है। शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक रेगुलर भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करते रहें, तो फिर आप कभी कभी इस विधि का भक्तजनों प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस विधि का जो रिजल्ट है भक्तजनों 10 सेकंड में पूर्ण रूप से कार्य करेगी। जब आप इस विधि का प्रयोग करने के बाद जिस व्यक्ति के लिए आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जब आप उसके संपर्क में आएंगे, तो पूर्ण रूप से माता मोहिनी जी का उस व्यक्ति के ऊपर पहरा भक्तजनों
लग जाएगा। शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक भक्तजनों आपने इस विधि का प्रयोग करते रहना। जो इसकी सामग्री है भक्तजनों, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ आपने कैसे इस विधि का प्रयोग करना है, ताकि माता मोहिनी जी की ये जो सम्मोहन करने वाली विद्या है आपको भक्तजनों प्राप्त हो सके। और ये जो विधि है सुबह और शाम, रात्रि के समय भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और सुबह सुबह भी भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह इस विधि का प्रयोग करेंगे भक्तजनों, तो सूर्य उदय होने से पहले, अगर रात्रि के समय भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो सूर्य अस्त होने के बाद भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने सुबह एक बार शुरुआत कर ली भक्तजनों, तब तो आपको 8 दिन ही सुबह सुबह ही इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपने रात्रि के समय इस विधि का प्रयोग किया, तब भक्तजनों आपको रात्रि के समय ही इस विधि का 8 दिन रेगुलर प्रयोग करना पड़ेगा। तो भक्तजनों इस विधि के लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। यह जो विधि है 8 दिन रेगुलर भक्तजनों आपने इसी विधि के अनुसार ही इसकी पालना करनी है, तभी भक्तजनों आपको माता मोहिनी जी की ये जो सम्मोहन करने वाली विद्या है तभी आपको प्राप्त होगी। तो इसके लिए भक्तजनों आपको 5 पुष्प चाहिए। जो पुष्प होने चाहिए भक्तजनों, गुलाब के पुष्प ले सकते हैं आप, चमेली के भक्तजनों आप पुष्प ले सकते हैं, या कोई भी जिन पुष्पों में से भक्तजनों खुशबू आती हो आपने 5 पुष्प लेने हैं भक्तजनों। और 5 ही भक्तजनों आपने बतासे लेने हैं, सावत आपने 5 भक्तजनों बतासे लेने हैं, और 5 ही भक्तजनों आपने लेने हैं लौंग, और 5 ही भक्तजनों आपने लेनी है अगरबत्ती। अगर बतासे ना मिले भक्तजनों, तो फिर बतासों की जगह के ऊपर भक्तजनों, या फिर आप 5 पेड़े ले सकते हैं, या फिर आप 5 पीस बर्फी के भी भक्तजनों आप ले सकते हैं। अब आपने भक्तजनों इस विधि का ये जो उपाय है आपने कैसे करना है सम्मोहन विद्या की प्राप्ति करने के लिए, तो आपने ये जो बतासे हैं या बर्फी है या पेड़े हैं भक्तजनों, एक तो भक्तजनों आपने अपना नाम लिखना है बतासों के ऊपर वाली साइड के ऊपर, भक्तजनों आपने अपना नाम लिख देना है मार्कर से, रेड मार्कर से भक्तजनों आप नाम लिख सकते हैं, किसी स्केच के द्वारा भक्तजनों आप नाम लिख सकते हैं। ऊपर वाली साइड के ऊपर भक्तजनों आपने अपना नाम लिखना है, और जिस व्यक्ति के लिए भक्तजनों आप इस सम्मोहन विद्या की प्राप्ति करने जा रहे हैं, उसके बाद अपना नाम लिखने के बाद उस बतासे के ऊपर नीचे प्लस का निशान बनाने के बाद फिर नीचे आपने उस व्यक्ति का नाम लिख देना है 5 बतासों के ऊपर, या 5 बर्फी के पीस के ऊपर, या 5 पेड़ों के ऊपर भक्तजनों इस विधि का आपने भक्तजनों प्रयोग करना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो 5 बतासे हैं इनमें आपने एक एक लौंग लगा देना है। जहाँ पर प्लस का निशान है भक्तजनों आपने लगाया है बतासों के ऊपर, बर्फी के ऊपर या पेड़ों के ऊपर, उन 5 प्लस वाले निशानों के ऊपर भक्तजनों आपने एक एक लौंग भक्तजनों आपने लगा देना है, और इनके साथ 5 पुष्प भी भक्तजनों आपने रख लेने हैं 5 बतासों के साथ, 5 बर्फी के पीस के साथ, या 5 पेड़ों के साथ। इन तीनों में से भक्तजनों आपने एक चीज़ ही लेनी है। और ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों, जो 5 अगरबत्ती है, फिर आपने इनको लेकर जाना है, या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी इस विधि का ये उपाय कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आक मदार के पौधे के नीचे भक्तजनों, या फिर जहाँ पर माता श्यामपुर मोहिनी जी का स्थान बना हुआ हो वहाँ पर भी आप इस विधि का भक्तजनों प्रयोग कर सकते हैं। और वहाँ पर जाकर आपने ये जो 5 अगरबत्ती है इसको रोशन कर देना है भक्तजनों। रोशन कर देने के बाद भक्तजनों ये जो सामग्री है बतासे हैं, पेड़े हैं या बर्फी है, और ये जो 5 पुष्प हैं उसके ऊपर से आपने फिर इनको वारना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना भक्तजनों। आपने ये शक्ति प्राप्त करनी है, शक्ति उतारनी नहीं, आपने क्लॉकवाइज उन 5 अगरबत्ती के ऊपर से ये सामग्री घुमानी है, और फिर आपने अपने सर के ऊपर से 7 बार इसको वारना है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज वारने के बाद फिर आपने ये जो सारी सामग्री है आपने अपने माथे के ऊपर इसको लगाना है। और जिस व्यक्ति के लिए आप इस सम्मोहन विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं,
फिर उस व्यक्ति का आपने ध्यान धरना है, इस सामग्री को अपने हाथों में ऐसे पकड़ लेने के बाद उस व्यक्ति का ध्यान धरना है, और उसके बाद माता मोहिनी जी का ध्यान धरते हुए आपने ये जो आपने 5 अगरबत्ती रोशन की है भक्तजनों, वहाँ पर आपने ये सारी सामग्री ऐसे दोनों हाथों से भक्तजनों आपने अर्पण कर देनी है, माता मोहिनी जी को भेंट के रूप में चढ़ा देनी है। और जब भक्तजनों आपने ये सारी सामग्री भोग प्रसाद लेकर जाना है, पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद आप अपने ऊपर इत्र भी लगा सकते हैं, जितनी भी खुशबू होगी आपके कपड़ों के ऊपर उतना ही माता मोहिनी जी का जो पहरा है ज़्यादा लगेगा भक्तजनों, क्योंकि माता मोहिनी जी की ये जो शक्ति है सम्मोहन विद्या की, ये खुशबू के ऊपर बहुत जल्दी भक्तजनों प्रसन्न हो जाती है। माता जो मोहिनी जी है, माता मोहिनी जी की ये जो शक्ति है। तो भक्तजनों इस विधि का जो आपने ये प्रयोग करना है शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक, और चांदने शुक्रवार से भक्तजनों आपने ये उपाय करना है। तो भक्तजनों 8 दिनों के बाद इस विधि का ये उपाय करने के बाद, ये प्रयोग करने के बाद माता मोहिनी जी का, जिस व्यक्ति के लिए आप इस सम्मोहन विद्या का ये प्रयोग कर रहे थे, जब आप उसके सामने जाएंगे तो वह पूर्ण रूप से आपके प्रेम के जाल में फंस जाएगा, पूर्ण रूप से भक्तजनों वह मोहित हो जाएगा आपके ऊपर, और जो भी उस व्यक्ति के मन में कोई गलत फहमी होगी भक्तजनों, तो उसका भी निवारण होगा इस विधि के द्वारा। अगर भक्तजनों श्रद्धा के अनुसार, जिस विधि के अनुसार मैंने माता मोहिनी जी की इस सम्मोहन विद्या के बारे में भक्तजनों आपको बताया है, तो पूर्ण रूप से आकर्षण होगा। अगर आप श्रद्धा के अनुसार, अगर विश्वास होगा भक्तजनों, तभी ये कार्य करे, क्योंकि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। अगर भक्तजनों, जिन भक्तजनों को विश्वास है इस विधि के ऊपर, वही इसका प्रयोग करे, क्योंकि भक्तजनों जो भी मैं आपको ये विधि बताता हूँ, ये उपाय बताता हूँ, ये पूर्ण रूप से सिद्ध हैं। जब भी हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं तो हमें ये पूर्ण रूप से फल देते हैं, अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद हम ये उपाय करते हैं। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको माता मोहिनी जी की प्यार के बंधन में बांधने वाली, अपने प्यार में मोहित करने वाली ये विधि, ये वीडियो बढ़िया लगी, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।